सब्सक्राइब करें फ्री सर्किट लैब को और बेल आइकन को दबाइए इलेक्ट्रॉनिक्स बिगिनर से मास्टर बनने के लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री सर्किट लैब। तो कल की वीडियो में जो बताया था, ये जो म्यूजिक की रिएक्टिव लाइट वाला वीडियो बनाया था कल, तो उसका ये अपग्रेड वीडियो अपग्रेड वर्सन है। तो कल की वीडियो में जो बताया था, ये 220 वोल्ट का ये लाइट को मैं म्यूजिक रिएक्टिव बनाऊंगा आज। तो ये बहुत ज़्यादा कमाल वीडियो होने वाली है। वैसे भी आपका ये दिवाली आने वाला है, तो ये आपकी काम आएगी। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आप शायद कभी ना कभी सोचा होगा कि ऐसा लाइट को अगर म्यूजिक के साथ लिंक करा जाए तो कैसा होगा। तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं कैसे इसको बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको पहली बात एक म्यूजिक सिस्टम या फिर एक किसी भी स्पीकर चाहिए, और उसके बाद ये जो पिछले वीडियो वाला सर्किट वो चाहिए। पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दिया, आप उसको देख लीजिए ये वाला सर्किट, तो आपको बेहतर समझ आएगा। तो उसको आप इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। और उसके बाद आपको चाहिए एक ब्लैक बॉक्स। ये ब्लैक बॉक्स में क्या है वो आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी के लिए ये ब्लैक बॉक्स है हमारे पास, तो ये ब्लैक बॉक्स आपका कंट्रोलर की तरह काम करेगा। और उसके बाद आपको ये लाइट तो चाहिए, तो इसका लाइट का क्विक ओपन करके इसका सर्किटरी देख लेते हैं, इसके अंदर कैसे काम किया हुआ है। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया। आप इसका सर्किट का क्विक एक पीसीबी ट्रैक को फॉलो करेंगे। देखो, ये दो इनपुट है और इधर तीन आउटपुट है। आउटपुट में से एक कॉमन है और दो इसका आउटपुट, ये कंट्रोलर आउटपुट है, ये जो कंट्रोलर से आउटपुट हो रहा है। तो देखो, इधर एक साफ नज़र आ रहा है हमको, ये जो एक इनपुट आपका डायरेक्ट आउटपुट में कनेक्टेड है ये पीसीबी ट्रैक के जरिए। तो इस ट्रैक को हम मॉडिफाई करेंगे, तो ये ट्रैक को हम मॉडिफाई नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका कंट्रोलर बोर्ड इसको मॉडिफाई करता है। तो हम मॉडिफाई करेंगे इस जो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो इसको हम सिंपली निकाल देंगे यहाँ से निकाल के। यहाँ से मैं इस जो ब्लैक बॉक्स है इसको कनेक्ट करूँगा इधर, और इधर से मैं आउटपुट को ले लूँगा। तो इसके लिए मैं सोल्ड करूँगा, एक एक्स्ट्रा वायर इधर सोल्ड करूँगा, उसके बाद इसको बाहर रख के और इधर से ये आउटपुट लेंगे। तो वो कर लेते हैं पहले। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जैसा कहा था ऐसा एक कनेक्शन कर लिया, इधर से ये आउटपुट को निकल के इधर लगाया और इधर से ये आउटपुट को इधर लेके आ गया। ठीक है, तो इसका कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। इधर भी आप दे सकते हैं इस वायर को, और इधर इस वायर को दे सकते हैं, इसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। बट इधर आपको होता है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव होता है, वो आपको बताऊँगा। और इसको क्या करेंगे, इसको एज ए LED समझेंगे। ये एक LED का टर्मिनल की तरह समझते हैं अभी, तो इसको हम इधर लगाएंगे ऐसे। तो इसका जो LED था उसको निकाल के ये इसको ऐसे लगाएंगे, उसको निकाल देते हैं और इसको ऐसे लगाते हैं। तो इसके साथ सीरीज में एक किलो ओम का रजिस्टर लगाएंगे, सीरीज सेफ्टी के लिए, जो रजिस्टर लगाना होता है करंट लिमिटिंग, तो उसको लगाएंगे। दोस्तों, अब इसका वायरिंग कंप्लीट हो गया है। तो इसको कैसे कनेक्ट किया, तो ये जो सर्किटरी है कल का सर्किटरी, इसमें जो चार्जर का कनेक्शन है उसका जो पॉजिटिव से ये एक किलो ओम रजिस्टर से ये इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है इस LED का, ये एक LED समझते हैं अभी के लिए। और इसका नेगेटिव ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में है। जैसे आपका कल की सर्किट में जैसे आपका LED कनेक्टेड था बिल्कुल वैसे ही, बस ये जो रजिस्टर है इसको यहाँ पर लगाया, बाकी सब कुछ एक जैसा कनेक्टेड है। और इसको आप टेस्ट करेंगे ये कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए पहले इस बॉक्स को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो इस बॉक्स को लगा देते हैं पहले। तो इसको कनेक्शन करने के लिए दो चीज करना है, ये एक इधर एक 5 वोल्ट का पावर देना है और इधर आपको 220 वोल्ट पावर देना है। तो इसके लिए मैं एक USB केबल को मेरा बोर्ड का जो साइड में USB है उसमें लगा देता हूँ और उस पावर को इधर दे देता हूँ। और उसके बाद ये जो कनेक्शन है इसको मेरे बोर्ड में लगा देते हैं ऐसे। तो ये देखो, एक बहुत डिम से ये ब्लिंक हो रहा है। इसके बाद इस जो स्पीकर को चालू करेंगे,
देखो ये स्पीकर का ऑडियो के साथ ये ब्लिंक कर रहा है, तो इसको गाना चला के देखूंगा। तो पहले मेरे ये जो फोन में रिकॉर्डिंग है, इस फोन में से ही आपको गाना इस ब्लूटूथ के जरिए सुनवा के दिखाऊंगा। तो ये मैं ब्लूटूथ को मेरे फोन के साथ कनेक्ट कर दिया, अब इसमें गाना चलाऊंगा। तो ये कैसे ब्लिंक करेगा देखो, तो ये गाना को मैं ऑन कर दिया। तो दोस्तों आप जब इसमें इसको लगाएंगे तो इधर आपको टच नहीं करना है, इधर आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो इसलिए आप इसको टेप से कवर कर देंगे। और इसको मैं निकाल के दिखाया था आपको, ये ब्लैक बॉक्स में क्या है, ये ब्लैक बॉक्स का सर्किट आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए इस सर्किट को मैं पहले खोल लेता हूँ। दोस्तों देखिए ये ब्लैक बॉक्स में ये जो आपका सर्किट है वो कुछ इस तरह का है। इसको खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए, एक इधर आपको एलईडी मिलता है और उसके साथ एक एलडीआर मिलता है। देखिए ये एक एलईडी और एक एलडीआर है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको मिलता है एक एलईडी और एक एलडीआर। ये एलईडी उस म्यूजिक के साथ ब्लिंक करता है और ये एलडीआर उसको सेंस करके इसका रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करता है, तो इसलिए ये आपका काम होता है। तो इसके लिए आपको ब्लैक बॉक्स का क्यों ज़रूरत है, क्योंकि ये एलडीआर बाहर की रोशनी से ये अगर इफेक्ट ना पड़े इसमें, तो इसलिए मैं ये ब्लैक बॉक्स में इसको फिट किया। उसके साथ कुछ ब्लैक पेपर्स भी दिया इसमें, जैसे कि बाहर की कोई रोशनी इसके ऊपर ना पड़े। ठीक है, ये बस इस जो एलडीआर है इसका लाइट से ही ये इसके ऊपर इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसा सर्किट को बनाया आपके लिए दिखाने के लिए। तो ये एक एलईडी है और इधर एक एलडीआर है। ये एलडीआर आपका ये लाइट के साथ कनेक्टेड है और ये एलईडी आपका ये म्यूजिक ब्लिंकर सर्किट के साथ कनेक्टेड है। तो ऐसे आपका काम होगा। तो आप कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। ये बहुत एक खास वीडियो है। आप सामने जो दिवाली है इसमें आप इस लाइट को ऐसे म्यूजिक के साथ चला सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि इसको माइक के साथ कैसे कनेक्ट करो, तो आपका एम्पलीफायर के साथ तो अगर कनेक्ट करने में प्रॉब्लम है, और ये एम्पलीफायर आपका ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये एक बस छोटी एक एलईडी को ये ब्लिंक करा रहा है। और ये 220 वोल्ट के साथ तो इसका कुछ कनेक्शन नहीं है, ये जो इधर जस्ट इधर रहता है। तो इसमें 220 वोल्ट के साथ आपको एम्पलीफायर का कुछ भी कनेक्शन नहीं होगा, ये आइसोलेटेड है, बिल्कुल आइसोलेटेड। ठीक है, तो आपको एम्पलीफायर का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर भी आप अगर आप चाहते हो कि माइक से अगर इसको कंट्रोल किया जाए, कि इसमें एक माइक लगा देंगे, ये माइक के साथ ये आपका ब्लिंक करेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक चार्जर की तो ज़रूरत आपको पड़ेगी। इधर आपको पावर देना है और आप इसके अंदर बैटरी भी फिट कर सकते हैं, बैटरी से पावर दे सकते हैं। और उसमें आपको एक माइक लगाना होगा और एक आपको छोटा सा एम्पलीफायर लगाना होगा जो LM386 IC आता है। तो उसके बारे में भी एक वीडियो उसको बनाया है, जो माइक से वो IC लगा के कैसे ऑडियो आउटपुट निकाला जाता है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, उस वीडियो से उस सर्किट को निकाल के आप ये LED के साथ उसको कनेक्ट कर देंगे, तो आपको ये एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये माइक के साथ भी ब्लिंक करेगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत ही कमाल वीडियो है, सबका ये काम में आ सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल का और भी वीडियोस देखिए, और अगर वो पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन मिलते हैं ना, बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेट होता हूँ। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और मोटिवेट करते रहे, ताकि अगला वीडियो मैं बहुत कमाल का वीडियो ला सकूँ आपके लिए। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।